है, इसलिए हम लोगों को ना अंदर से बाहर जाने का जरूरी नहीं होता है। कुछ भी है इनके पास ही सब लोग आती है, पूरा सिल देती है, बहुत सुंदर डिजाइन भी कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्णल पत्र ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागतम। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और सुस्त होंगे। तो आज मैं नींबू का अचार बना रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, नींबू नींबू का अचार बनाऊंगी। चलो आप लोग भी देखो मैं कैसे नींबू का अचार बना रही हूँ। सोनू भी खेल के आ गया अभी। और ये कौन है? दोस्त। सोनू का दोस्त? यस। नाम क्या है बताओ? सायन। सायन, सायन देवनाथ सोनू का फ्रेंड है। तो सोनू और सोनू का फ्रेंड खेल रहा था, अभी आया है घर। तो सोनू भी हेल्प करेगा मेरे साथ? हाँ। ठीक है, तू भी तो नींबू का अचार बनाओगे? नींबू का अचार में ये पीला कलर का नींबू ही अच्छा होता है। तो चलो इसको काट कर लेते हैं। इसको जो ये देखो नींबू, नींबू का बीच में काट कर लेते हैं उसी तरह। तो इसी तरह काट कर लिया। इसके बाद फिर बीच में और दो भाग, ये चार भागों में होगा। ये देखो इसी तरह इसका चार, और इसके अंदर में जो बीच है फ्रेंड्स इसको भी निकालना है, नहीं तो ये कोड़वा हो जाता है। जितना नींबू है पूरा बीच निकालना है इसका। इसी तरह पूरा नींबू को काट कर लूंगी चार तरफ, पहले दो भागों में, उसके बाद और दो। ठंड के मौसम में तो नींबू का अचार और अच्छा ही है, और अभी धूप भी अच्छा से आ रहा है इसलिए मैं सोचा अभी बनाती हूँ। पहले धूप इतना अच्छा से नहीं दिखता था, और अभी धूप भी बहुत अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड का मौसम अभी खत्म होने ही वाला है। मैं बोले उससे पहले ये बना लेती हूँ। तो इसी तरह से पूरा काट लूंगी। देखो फ्रेंड्स, इसी तरह से काट लिया इसको, और इसका जो बीच है ये देखो निकाल लिया। ये देखो बीच को अलग कर दिया, और ये नींबू। अभी चलो नींबू का जो मसाला है वो बना लेती हूँ। अभी किचन में आ गए। ये देखो साबुत धनिया, इसका जो मसाला तैयार कर रही हूँ यही है। इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया, और इसमें है अजवाइन, थोड़ा सा मेथी, इसको भून लेंगे। भून लिया, अभी इसको मिक्सी में पीस लूंगी। इसको पीस लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स,
पीस लिया। इसी तरह इसको पीसना है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा ये रहेगा। थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज्यादा नहीं। आप लोग नहीं दोगे तो भी चलेगा, मैं थोड़ा सा दिया। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर इसमें फ्रेंड्स, काला मिर्च पाउडर, इसके बाद गरम मसाला, इसके बाद काला जीरा, इसके बाद जो मसाला तैयार किया था वो, और लास्ट में हींग। फिर इसको अच्छा से मिला लेंगे फ्रेंड्स। अच्छा से मिला लिया, अभी इसको धूप में दाग दूंगी। इसको धूप से पकाना है फ्रेंड्स, जितना अच्छा धूप है इतना अच्छा होगा ये। 7-8 दिन इसको धूप में रखना। देखो कितना अच्छा बना है गाइस। अब तो धूप बहुत अच्छा आया तो बेलकोनी में इसको डाल देती हूँ, छत पे जाने का जरूरी नहीं है, बेलकोनी में अच्छा से धूप मिल जाएगा इसको। तो ये पौधा के ऊपर में डाल दिया इसको। फ्रेंड सावी देखो, ये फ्रेंड का घर में आई हूँ। ये फ्रेंड तो खुद ही साड़ी का ब्लाउज ब्लाउज सब सिलती है, सूट सिलती है, ब्लाउज सिलती है, तो मेरा साड़ी लेके आई इसके पास। ये देखो अभी निकाल रही है ब्लाउज, ब्लाउज सिलने के लिए दिया इसको। इसके पास देखो मशीन है, सब कुछ रखा है, कपड़ा वगैरह सब रखा है इसके पास। पूरा मेरा ये दो साड़ी लेके आई उसके पास, वो सिल के दे गई ब्लाउज इसका। ये देखो सूट भी कितना सारा रखा है इसमें, बहुत सुंदर सुंदर ये सूट तैयार करती है, ब्लाउज भी अच्छा अच्छा सिलती है ये। इसीलिए हम लोगों का ना अंदर से बाहर जाने का जरूरी नहीं होता है, कुछ भी है इनके पास ही सब लोग आती है, पूरा सिल देती है, बहुत सुंदर डिजाइन भी कर देती है ये। के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।